बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर। अभी तक आपने इस वार्ड अपने वार्ड में क्या क्या किया है? हमने कुछ गरीब जो जिनके राशन कार्ड में नाम नहीं था, उनको हमने अपने स्तर से किसी जो भी डीलर लोग हैं हमारे पंचायत के, उन लोगों से संपर्क करके रिक्वेस्ट करके, जिनका राशन में नाम नहीं था, उनको 20-20 किलो राशन हर महीने दिलवाने का हमने कार्य किया है। कुछ मास्क, साबुन वगैरह ये हाँ, सब? पूरे वार्ड को हम अपने स्तर से, मुखिया जी के स्तर से, पंचम का जो दिए हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी का आदेश था, उस आदेश पर हम लोगों ने मिलकर अपने वार्ड में हर परिवार को 4 मास्क और 2 साबुन 10-10 रुपये वाला अपने स्तर से हम लोग मुखिया जी के से लेकर वितरण किए हुए हैं। बात करेंगे विकास के मुद्दे पर। अभी तक आपके वार्ड में क्या क्या विकास हो चुके हैं? हमारे यहाँ मुखिया जी के 14वां वित्त के रुपये से हमने नाली बनवाया है। हमारे यहाँ नियम ऐसा था कि पहले जल नल काम खत्म करने के बाद ही गली नली का आप कार्य कर सकते हैं, तो अभी मेरा जल नल जो है अभी चालू की स्थिति में है। लगभग कितने परसेंट काम हो चुके हैं जल नल में? 90-95% काम हो चुका है, 5% बस काम है, तो वो भी 2-3 दिन में हम मिलके कैसे भी रिक्वेस्ट करके काम करा लेंगे। नली गली की क्या व्यवस्था है? हमारे यहाँ नली का एक योजना खोल चुके हैं, 2 से 3 दिन में, अभी बरसात हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा अथी में पड़े हुए हैं, बरसात खत्म होते ही हम नली का काम शुरू करेंगे। शौचालय के ऊपर बात करेंगे। अभी तक आपके वार्ड में कितने शौचालय बन चुके हैं? हमारे यहाँ शौचालय 81 को बना है भैया, पेमेंट में मात्र 10 हुआ है, और कुछ मैं ऑनलाइन करा के MIS के लिए हमने भेजा है, MIS होके आएगा उसके बाद पेमेंट में जाएगा। सरकार से क्या आग्रह करेंगे? सरकार से हम यही आग्रह करेंगे, जो भी लाभुक हमारे यहाँ में, हमारे वार्ड में है, हमारे पंचायत में है, मकान हो या घर हो, चाहे जो भी चीज़ सुविधा मिल रहा है, डायरेक्ट उनके हम लोग के स्तर से डायरेक्ट उनके पास पहुँचाने का किया जाए। राशन कार्ड में बहुत बड़ी गड़बड़ी हाँ सामने आ हाँ रही है। राशन कार्ड में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग छूट चुके हैं, जिनका पक्का का मकान है उनको राशन दिया जा रहा है, जिनका कच्चा का मकान है उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। तो हम सरकार से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सही तरीके से, सही ढंग से जांच करके, मुखिया या वार्ड हो जो भी, इनके स्तर से जांच करवा के हमारे वार्ड में जो लाभुक जो जिनको मिलना चाहिए उनको दिलवाने का हम लोग कष्ट करें। अपना पूरा नाम बताइए। धनंजय सिंह, वार्ड नंबर 7, खजुरिया पंचायत, वार्ड नंबर 7।